हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम हाइड्रेशन तक हमने कर लिया था और मैंने आपको बताया है कि बेटा मैं जो भी करवा रहा हूँ मेरे करवाने के बाद आप अपनी बुक से जरूर पढ़ें, और बुक से जब पढ़ें तो उसमें ना क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन करें जरूर। जैसे एक्स्ट्रा बुक है उसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी होते हैं, तो आप बहुत ईजिली रिलेट कर पाएंगे। मैं भी करवा रहा हूँ साथ में क्वेश्चन, तो जब ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये चीज, ये कंसेप्ट तो हमने किया हुआ है। चलो अपनी डिस्कशन आगे ले चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब टॉपिक आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये दिखने में कैसे दिखेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, इनको बर्न करें तो क्या कलर देंगे, तो ये सारी चीजें जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। जैसे एक बच्चा है वो दिख कैसा रहा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना। बोल कैसा रहा है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ऐसे ही एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में जब हम पढ़ेंगे तो हम जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्शंस होती है। लो समझते हैं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल एल्कली मैटर्स आर सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मैटर्स। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, ये सॉफ्ट होते हैं बिकॉज दे कैन बी कट बाय नाइफ। सर हाँ बेटा, सर हाइड्रोजन में उसी यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज करके इन कंसीडर कर दे एस ब्लॉक। हाँ देखो बेसिकली क्या है, जो हमारा एस ब्लॉक है ना, तो ये एल्कली मेटल्स है, हाइड्रोजन गैस है, इट्स नॉट अ मेटल, इसलिए हमने हाइड्रोजन चैप्टर अलग से डाला हुआ है प्लस वन में। आप अगर देखोगे ना, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट मेटल, इट्स गैस। तो एस ब्लॉक इज एल्कली मेटल, हाइड्रोजन उसका पार्ट नहीं है, एंड इट इज एक्सेप्शन टू पीरियोडिक टेबल ऑल्सो। ये गैस है, इसको मेटल पे रखा हुआ है, इसको हेलोजन वाले पे रखना चाहिए, तो वो रीजन देते हैं कि भी ये प्लस वन शो करता है, ये माइनस वन शो करता है, इसलिए यहाँ रखा हुआ है। तो इसकी जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है अभी भी, ये बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक, बट इसके लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम इसे एस ब्लॉक का पार्ट मान लेते हैं, बट हम इसे एस ब्लॉक में बेटा पढ़ते नहीं है। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अब आपको समझ में आ गया हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारा पढ़ेंगे। तो ये वाले जो जी सर मेटल हैं, सिल्वरी व्हाइट होंगे, सॉफ्ट होंगे, लाइट होते हैं। तो लाइट होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज साइज और डेंसिटी इनकी कम होती है, और तभी हम इसको दे कैन बी कट बाय नाइफ। अब देखिए, हाउ एवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, ये याद रखना है कि जब हम इनका वेट वाइज चेक करते हैं तो पोटेशियम का वेट कम होता है एज कंपेयर टू सोडियम। अच्छा ऐसा कम क्यों होता है? उसकी डेंसिटी जो है कम होगी। ओके, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल आर लो, इंडिकेटिंग वीक बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम। तो जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं ग्रुप वन के, इनका जो मेटालिक बॉन्ड है, जो इनकी खुद की बॉन्डिंग है, वो वीक है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड नहीं बन पाता। जैसे आपने सपोज करो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड किया है, आपने एक हाथ से होल्ड किया, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई रॉड है, इस रॉड को एक बच्चा है, इसने एक हाथ से होल्ड किया है और एक बच्चे ने इसको दोनों हाथों से होल्ड किया है, तो किसमें ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड होगा, दो हाथों से या एक हाथ से? बताओ, दो हाथों से सर ज्यादा दो स्ट्रांगली होल्ड हाथ होगा ना। तो यही होता है यहाँ पे कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं ना, इनके लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो वन इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाता, ये बॉन्ड बनता है वीक। वीक बॉन्ड बनने के कारण, तो इसका मेटालिक बॉन्ड मेटल है, तो मेटल की जो बॉन्डिंग होती है उसे मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, वो वीक हो जाती है, वीक बॉन्ड बनता है, तो वीक बॉन्डिंग हो गई। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इनका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो आप बताइए कि इनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है बिकॉज देयर लास्ट शेल हैज वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कलर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मतलब जब हम एल्कली मेटल को जलाते हैं तो वो कलर में जलते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम उनको जलाएं तो कलर क्यों बनते हैं? जैसे देखो दिवाली पे पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, तो आपके पता है पटाखे में केमिकल्स डलते हैं, तो उन केमिकल्स में ये वाले केमिकल्स होते हैं, मतलब ये केमिकल फॉर्म में होते हैं, सोडियम पोटेशियम होते हैं। तो जब पटाखा जलता है या फुलझड़ी जब जलाते हो, तो आपने देखा है आतिशबाजी होती है तो बड़े अलग अलग तरह के कलर निकलते हैं। वो अलग अलग तरह के कलर क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल्स मिलाए गए हैं वो इन्हीं के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो जब वो बर्न होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब बर्न, तो बर्न होते हैं तो अलग अलग कलर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एल्कली मेटल्स गिव कलर ऑन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम व्हाई, मतलब वो जलने पे कलर
कलर क्यों देते हैं, मतलब लॉजिक ये है कि कलर क्यों आता है। तो देखो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ और आपको कलर भी याद करवाते हैं क्या क्या होता है। देखो देखो जब भी हम एल्कली मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करके एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट मतलब हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो जब वो हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे और वहां से जब वो रिटर्न बैक होते हैं, है ना, जब वो रिटर्न बैक होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करते हैं जो विजिबल रीजन में फॉल करती है, विजिबल रीजन में फॉल करेगी। और विजिबल रीजन मतलब जो हमें दिखता है, तो वो जिस भी विजिबल रीजन में फॉल करेगी हमें वो वाला कलर दिख जाएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं ये बर्न होने पे कलर क्यों देते हैं, तो आप बड़ा ही सिंपल आंसर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये बर्न होते हैं तो जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने का मतलब होता है एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ने के कारण जब वो मतलब एनर्जी बढ़ गई उसके बाद जब वो वापस आते हैं, बैक आते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट पे, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। वो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो उस रीजन में, विजिबल रीजन में चली जाती है और जिस भी कलर रेंज में आती है वो हमें कलर दिखता है। तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, तो ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दिया, कंसेप्ट याद रखिए। देखो सर की लिखने स्पेस मैं बता रहा हूँ बेटा, हीट बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। When the excited electron come back to ground state, there is emission of radiation in visible region and hence they give color on burning. तो आप ये एक दो तीन चार, ये चार पांच लाइनें लिख सकते हो या फिर आप अपने आप बनाओ। Because on burning alkali metal, their electron get excited and when they come back, ज़्यादा लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं, get excited and when they come back to their ground state, they release energy in visible region and hence they are colored. देखो यहाँ पे ये मेटल है, जैसे लिथियम मेटल को जलाओगे तो ये क्रिम्सन रेड कलर देगा, सोडियम मेटल को जलाओगे तो येलो कलर देगा। कलर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वॉयल अपना पोटेशियम बर्न होता है तो वॉयलेट कलर देता है, और रुबीडियम बर्न होगा तो रेड वॉयलेट कलर देगा, और अपना क्या कहते हैं सीजियम बर्न होगा तो ये ब्लू कलर देगा। अब मान लो आपने एक पटाखा बनाया, क्रैकर बनाया, उसमें ये सारे थोड़े थोड़े इसके सॉल्ट डाल दिए, तो जब ये बर्न होगा तो रेड येलो वॉयलेट ब्लू ये सारे कलर्स दिखेंगे उसके बर्न होने पे जो आतिशबाजी करते हुए। तो यही सारे केमिकल्स चलते हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम कम अमाउंट में मेटल्स होती हैं ये बर्न करके करती हैं और पोल्यूशन कॉज भी करती हैं जब ये बर्न हो जाती हैं। तो बेटा हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन बनता है। मेन क्वेश्चन बनता है एल्कली मेटल्स गिव कलर ऑन बर्निंग, उसको सिंपल बनाते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब बर्निंग। तो इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कहीं पे भी ऐसा कोई आए ना क्वेश्चन कि ये बर्न करने पे कलर देता है तो यही रीजन होता है मोस्टली, बिकॉज ऑन बर्निंग इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, उसके बाद जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो विजिबल रीजन में एनर्जी रिलीज करता है जिस कारण हमें कलर दिखता है। ये कलर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन करें, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दें, वाटर से रिएक्शन कर दें, क्लोरीन से रिएक्शन कर दें, तो क्या क्या बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझिए। तो हम सबसे पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। तो जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या क्या देंगे ये देखते हैं। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड मतलब वन ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का माइनस टू होती है अपनी वैलेंसी, या आप ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, तो ये मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो देखो इस तरह से, जरा समझना ध्यान से, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, तो लिथियम का प्लस वन चार्ज होता है, ऑक्सीजन का माइनस टू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Li2O, यानी मेटल ऑक्साइड। यानी लिथियम मतलब क्या है कि जब ये एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये मेटल ऑक्साइड है। अब इस मेटल ऑक्साइड में भी ट्रिक है कि लिथियम जो है जब बर्न होता है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, वन ऑक्सीजन, बट सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब है O2-2, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करता है, ये एटॉमिक फॉर्म में रिएक्ट करता है लिथियम, बट जो सोडियम है वो किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में माइनस टू। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़े है ना,
तो उस फॉर्मेट में, और ओ टू का चार्ज अगर माइनस टू हो तो परऑक्साइड कहते हैं। कीप इन माइंड, मोनोऑक्साइड मतलब नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब होता है ओ टू का माइनस टू चार्ज। इसी तरह सुपर ऑक्साइड, अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है ओ टू का माइनस वन चार्ज। जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़े थे ना, ओ टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ओ टू माइनस टू का बताओ, माइनस वन का बताओ, ऐसा। तो ये तो मैंने एक रिएक्शन दिखाई, एक और देखो, सोडियम ऑक्सीजन से जुड़ा, तो सोडियम ऑक्सीजन से जुड़ा तो Na2 आ रहा है और यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली होता क्या है, ये परऑक्साइड है। ये कैसे बना, सोडियम का चार्ज होता है प्लस वन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही जुड़ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे। तो जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जुड़ेगा तो ये वाला 2 नीचे, ये वाला 1 ऐसे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2O2। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। अब ये लर्निंग वाला है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स हैं वो भी आयनिक फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पढ़ा था, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालो। इसी तरह से दूसरे मेटल जुड़ के सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब जो आपका मान लो मेटल का जो चार्ज है प्लस वन है, एल्कली मेटल प्लस वन और ओ टू माइनस वन, सेम चार्जेस कैंसल, तो ये बन गया MO2। मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जुड़ रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पे कि अगर आपसे कहीं पे मोनोऑक्साइड पूछा हो तो मोनोऑक्साइड इज योर ओ ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड वर्ड आ रहा हो तो ओ टू माइनस टू होता है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म, सुपर ऑक्साइड आ रहा हो तो ओ टू माइनस वन आता है। तो हमने याद रखना है कि जब हमारे एल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जो हमारा लिथियम है वो छोटा साइज होने के कारण सिर्फ एक एटम से कंबाइन करता है और लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम कंबाइन करता है तो पर ऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन माइनस टू, ओ टू माइनस टू वाला मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसी तरह सुपर ऑक्साइड बन जाता है, दूसरे एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड ओ टू माइनस वन। मैं फिर कह रहा हूँ ये चीजें हमें बेटा ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। तो ये इस चैप्टर की बेटा खासियत है कि हमें चीजें पढ़ के ध्यान रखनी होती हैं और लॉजिक अपने हिसाब से बनाने होते हैं। तो देखो, द सुपर ऑक्साइड ये होता है ओ टू माइनस वन आयन, आयन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कटायन लाइक पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, यानी इसके साथ अगर ये वाले एलिमेंट हो पोटेशियम रुबीडियम सीजियम तो ये स्टेबल होगा, अदरवाइज ये टूट जाता है, ये टूट जाएगा, ये बनेगा नहीं। तो ये भी जस्ट लर्न कर ध्यान रखने वाला है, आगे चलते हैं। ये बता दिया, इन ऑल दीज ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल इज प्लस वन, ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा ग्रुप वन होता है, जैसा आपको मैंने बताया ग्रुप वन क्या होता है, लीना की रब से फरियाद, तो फरियाद वाला मैंने नहीं लिखा, इतना लिखा। इन सबके लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इन सबका अगर हम चार्ज देखें तो सबका चार्ज प्लस वन आएगा, लिथियम प्लस वन, सोडियम प्लस वन, पोटेशियम प्लस वन, रुबीडियम प्लस वन, सीजियम प्लस वन, ये सारा प्लस वन आता है। बट साइज बड़ा होने से ना ये प्लस वन से भी ज्यादा लेके चले जाते हैं, क्योंकि साइज बड़ा हुआ तो लॉस कर देते हैं ये रुबीडियम और सीजियम, प्लस टू प्लस थ्री भी शो कर सकते हैं। तो ये जनरल बेस पे है कि इनके लास्ट शेल में वन होता है तो प्लस वन शो करते हैं। तो ये कह रहा है लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन एयर टू फॉर्म नाइट्राइड। मतलब क्या कह रहा है ये कि जो लिथियम है ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है नाइट्रोजन के साथ और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। देखो जो हमारा लिथियम है प्लस वन होता है, नाइट्रोजन हमारा माइनस थ्री होता है, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इसे क्रॉस करेंगे इस तरीके से, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और क्या बनाता है, लिथियम थ्री नाइट्राइड एज वेल, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये इसको न्यूट्रल कर पाता है। सो एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर टू फॉर्म नाइट्राइड। जो हमारा एयर में नाइट्रोजन होता है ना उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और लिथियम नाइट्राइड बना देता है एज वेल बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर। देखो वाटर यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है एंड दे आर नॉर्मली कैप्ड इन कैरोसिन ऑयल, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, नहीं तो इनको आग लग सकती है। तो सोडियम पोटेशियम को क्यों रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, थोड़ा सा क्या, बहुत सी चीजें ध्यान रखने वाली, पढ़ते चलो। अब देखो क्वेश्चन, अब आप इन क्वेश्चंस को देखिए, तो आप इन क्वेश्चंस को देख के बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे। देखो कह रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन के ओ
KO2। अब हमें पता है K+1 होता है, ये तो हमें पता है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, KO2 है, K होता है प्लस वन, यानी ये जब आप क्रॉस करते हैं तो इसका जब आप उल्टा जाएंगे तो ये टू तो हो नहीं सकता, तो ये प्लस वन होगा, ये माइनस वन होगा, तभी ऐसा बना है ना। अभी अभी आपको पढ़ा क्या है मैं, ऑक्साइड माइनस टू होता है, ओ टू माइनस टू एंड ओ टू माइनस वन, ये सुपर ऑक्साइड है, ये आपका पर ऑक्साइड है ये वाला पोर्शन, और ये वाला आपका जस्ट ऑक्साइड है, इट्स जस्ट ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, ऑक्साइड नाइन्थ वाला है ना क्रॉस डायग्राम, पर ऑक्साइड, एक मिनट बेटा, और ये है हमारा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो थोड़ा सा याद रखने वाला है। अब देखो, अब K2O का पोटेशियम का चार्ज पूछ लिया, तो हमें पता है पोटेशियम का प्लस वन आता है, बट देख के क्या लगता है बच्चों को कि इसका प्लस टू होना है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक से ज्यादा तो लॉस करेगा नहीं, तो ओ टू, ये आप ध्यान रखना इस बेसिस पे। तो बस हमारा क्या आया आंसर, प्लस वन, के का आंसर आया प्लस वन, दैट्स इट। तो द सुपर ऑक्साइड, यानी हमें यहाँ बता दिया कि ये सुपर ऑक्साइड है, दिस वी आर टेलिंग कि ये सुपर ऑक्साइड है, द सुपर ऑक्साइड स्पीशीज रिप्रेजेंटेड एज ओ टू माइनस, ये रहा, सिंस द कंपाउंड इज न्यूट्रल देयर फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज प्लस वन। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एक्स मान लीजिए इसको, है ना, जैसे हमने रिडॉक्स में किया था, एक्स मान लीजिए, या सिंपल है तो नॉर्मली हो गया, आइडिया लग गया, देख के ही लग गया। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आंसर मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या क्वेश्चन है, वाई इज के ओ टू इज पैरामैग्नेटिक। पीछे मैं बता के आया था कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए ना, पैरामैग्नेटिक है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या लिख देना आपने, KO2 पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा था ना हमने, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पैरामैग्नेटिक है तो इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस आगे कोई कहानी ना लिखो, बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। चलो आज हम यहां तक करते हैं, अब आप इसे सारा नोट कर लो,